मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार अभी सुबह के बच्चों का 9 और जस्ट मैं भी सो कर उठा, तो मेरे साथ सिर्फ भाई उठे हुए हैं अभी। बाकी यार सब पल्ली तरफ दूसरे कमरे में सोए पड़े हैं यार, कोई भी नहीं उठ रहा है। मैं बोल रहा हूँ उठ जाओ यार, काफ़ी लेट हो जाएगा वरना। आज हमारा प्लान है डायरेक्ट गाड़ी काजा लगाने का। बीच में हम क्यू विलेज जाएंगे एक बार, वो मम्मी देखने के लिए मोनेस्ट्री या क्यू मोनेस्ट्री, तो एक बार क्यू विलेज में जाएंगे। उसके बाद सीधा गाड़ी काजा लगेगी, और बाकी फिर जो काजा में सारी घूमने की जगह है वो हम कल एक्सप्लोर करेंगे। आज जाके काजा में स्टे करेंगे सिर्फ हम। तो अभी थोड़ी बहुत देर में नहा धो के तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे। तो भाइयों हम नहा के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। अभी दो चार भाई हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। मैं और भोला भाई तो बिल्कुल नहा के रेडी हैं। और यार यहाँ का व्यू देखो यार, इतना सामने सूरज आ रहा है यार, इधर का व्यू छुप रहा है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है, बिल्कुल मस्त लग रहा है। पहाड़ रिकोंगपियो अभी यार यहाँ से ना 6 किलोमीटर नीचे जो मेन NH5 है वो नीचे है। हम ना रिकोंगपियो थोड़ा सा ऊपर आ गया रुका, क्योंकि यार यहाँ पर ना थोड़े स्टे अच्छे हैं, हालांकि इतना खास भी नहीं है। बट आज का प्रोग्राम है कि हम सीधे जाके रुकेंगे काजा, तो काजा पहुँच कर देखते हैं। अभी गाड़ी देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होगी या नहीं होगी। स्टार्ट तो होगी यार, चलो फर्स्ट सेल्फ में गाड़ी। बट यार आवाज देखो कैसी कर रही है गाड़ी। भाई भी सारे भाई अपना सामान रख रहे हैं गाड़ी में, और गाड़ी छोड़ते हैं कोल्ड स्टार्ट करेंगे कि 5-10 मिनट पहले स्टार्ट रहेगी, उसके बाद निकलेंगे। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दिया, ये सामान रखे हैं, थोड़ा बहुत सामान हो रहा है अपनी, वो गाड़ी भी कोल्ड स्टार्ट होने के लिए रेडी है। निकलते हैं फिर थोड़ी बहुत देर में यहाँ से। आ रहे थे हम अक्पा पार करा, जस्ट हो जाने एक जगह है यार यहाँ गाड़ी वाड़ी धोने के लिए, तो सारे भाई लोग रुके कि हम दोनों गाड़ी धो गए। तो अभी पहले हमारी शिफ्ट वॉश हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गॉड वॉश, जो फ्री का वॉश होता है, और ये हमारी दूसरी गाड़ी है जो वॉश हो रही है यहाँ पे। चलो चलो सीधे चलो, चले दोस्तों, अभी हम रुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे आ रही है ना स्पीति और सुतलज रिवर, जहाँ पे एक साथ होके मिलती है। ये व्यू आप देख रहे हैं, ये रोड एक्चुअली यहाँ पे रील वील बनाने के लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए रुके हैं यार, क्योंकि ये रोड ना बहुत ही अमेजिंग होता है और लगता भी अच्छा ही यार फोटो वीडियो में। और बाकी अभी तो फिलहाल मैं और उनकी था यहाँ पे, और बाकी सारे भाई भी थे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आपको दिखाऊंगा जूम करके,
वहाँ पे अभी सब ऑर्डर दे रहे हैं। ये स्पीति रिवर है जो स्पीति से आ रही है, और हम इसी के साथ साथ अब काजा तक जाएंगे, और ये सतलज रिवर है। इन दो, ये दोनों रिवर यहाँ पे आके मिल जाती हैं, तो हम इसी रिवर के साथ साथ अब स्पीति पहुँचेंगे काजा, क्योंकि ये स्पीति रिवर है, काजा तक हम इसी रिवर के साथ रहने वाले हैं। तो भाई मैं और अंकित भाई अभी यहाँ पे फोटो और वीडियो रील बनाने के लिए आए थे, और इतनी ज़्यादा ठंड है, धूप में खड़े तो ठंड का कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा, बट यार यहाँ पे ना देखो छाव है हम पत्थरों के नीचे यार, होट तक के सुनोगे बोला भी नज़ारा, और हाथ क्या हालत यार बिल्कुल खराब हो चुके हैं बिल्कुल। तो यार अभी हम इतनी दूर आ गए यार फोटो रील बनाने के लिए, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, और अब चाचा अपना लंच करके निकलते हैं यार फिर आगे की तरफ। जमरिया ना को लेख पूरी जमी बढ़िया ना को लेख आगे गाड़ी से मोटर ने कहे हैं गाड़ी मोटर के लाते हैं, मैंने एक गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, यहीं पे खड़ी हो जाएगी, हमारे आर्मी वाले भैया थे उन्होंने बोल देते हैं खड़ा कर लो यार, चलते हैं नीचे आर्मी ले ना को लेकर। देखो पूरी ना फ्रोजन आपको दिख रही होगी, वाइट 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 जो भी है सारी फ्रोजन हुई पड़ी है, अभी इस पर चल के ना इस पर रील बनाते हैं। चलो पूरी जमी पड़ी है ना को लेख पूरी। योगी भाई, योगी भाई ये कैसी लगी नेक आपको, लेक आपको ये भाई बहुत बेहतरीन जगह है, बिल्कुल सारी फ्रोजन हुई पड़ी है सारी, मैं तो फोड़ दी और लेक बस फ्रोजन। और यार आप यकीन नहीं करोगे हम लेक लेक के ऊपर चल रहे हैं यार, लेक के ऊपर समझ सकते हो आप, अभी सारे निकल चुके हैं फोटो वीडियो रील बना के सारे भाई, तो अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जाके सीधा निकल रहे हैं हम ग्यू मोनेस्ट्री के पास सीधे जाएंगे हम काजा, क्योंकि यार काजा पहुंचते पहुंचते ना फिर अंधेरा हो जाएगा, और हम चाहते नहीं कि अंधेरे में हम काजा पहुंचे, फिर यार होटल ढूंढने में भी ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले काजा गाड़ी लगा दे। चले भाई चले चलो तो यह तो भाई मलिंग नाला, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है गाड़ी वाटर, गर्मी में तो इतना ज्यादा पानी का बहाव बढ़ जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, देखो पूरा फ्रोज हुआ पड़ा है। वेलकम टू स्पीति वैली, तो गाइस हम स्पीति वैली में एंटर कर चुके हैं, हालांकि बस यहाँ पे भी है ना एक एंट्री चेक पोस्ट एंट्री कराई थी यहाँ पे चेक पोस्ट पे, तो इन्होंने बताया कि कल और परसों से स्नोफॉल हो जाएगी हैवी, तो इन्होंने वार्निंग दी है कि अपना स्टे मिले तो रुकना, स्टे ना मिले तो अपना वापसी आ जाना, क्योंकि फिर मलिंग नाला जो दिखाया था बोले थे वो क्रॉस नहीं करने देंगे उसके बाद, तो देखा है कि अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो तो अपना स्टे लेकर रुक जाना। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री ग्यू विलेज, अभी हमने ग्यू विलेज ये रहा सामने, ग्यू विलेज बाहर कर पहुंचे हैं ग्यू मोनेस्ट्री, और हमारे ना यार 150-150 रुपये दोनों गाड़ियों की पर्ची कटी है, 30 रुपये पर पर्सन बोल रहे थे कि सारा जो है वो मोनेस्ट्री के लिए ही जाएगा जो भी उसको पैसा था। ये मोनेस्ट्री अभी वो मम्मी शायद उस साइड है, देखते हैं गेट खुल रहे होगी तो अभी दर्शन वर्शन करते हैं इसके। तो ये है गाइस ग्यू मोनेस्ट्री की मम्मी, इसे देखने के लिए हम सब आए हैं, सब देखो कैसे देख रहे हैं भाई। देखो अभी ना टाइम 5 बज रहे हैं, देखो एंड्रॉइड में देखो 5:42 हुए हैं, और आईफोन में 8:12, और मेरे फोन का भी टाइम चेंज हो गया है, पर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ हमारे भाई के, देखो 8:12 हो चुका है, तो जो बताया था कि यहाँ पे आके आईफोन में चाइना का टाइम लग जाता है, तो वो बात सच है, हम चेक कर रहे थे पहले, हमें लगा नहीं था कि चेंज होगा, बट यार देखो चेंज हो गया, 8:12 हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं फिलहाल अभी काजा, और काजा में यार बाय गॉड हमें ना एक कैफे मिल गया खुला हुआ, सच्ची बता रहा हूँ यार, खाने का तो बुरा हाल होता ही होता, क्योंकि यार खाने के अलावा ना हमें कोई भी होम स्टे, एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए, हम 8:30 बजे काजा पहुंचे, ना तो हमें कोई रूम मिल रहा है ना ही हमें कोई होम स्टे मिल रहा है, खाली हो सकते हैं रूम भी और होम स्टे भी, बट यार इस टाइम सब ठंड ज़्यादा होती है तो सब अपने गेट लगा के अंदर हो जाते हैं, अब बस प्रॉब्लम यही हो रही है यार कि पहले चलो खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है, उसके बाद ढूंढेंगे, अब ढूंढना तो पड़ेगा यार,
क्योंकि रात तो काट रही है ही। अब देखते हैं तो कोई होम स्टे लेंगे या फिर कोई होटल वोटल मिल जाए, बस मिल जाए कुछ तो मिले। तो भाइयों अभी बड़ी मुश्किल से ना एक रूम मिला है हमें यहाँ पर आके, एक्चुअली रूम तीन मिले हैं एक होटल में यार। पूरा मतलब बहुत डोले यार, रात में ठंड इतनी है तो -14 -15 के करीब टेम्परेचर हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं रुका। और मैं रात को -20 -21 के करीब जाएगा। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी ना मैंने ना पानी डाला था चेक करने के लिए, सिर्फ अभी ज़्यादा ना सिर्फ 2 मिनट हुए हैं यार, पूरा ना बर्फ़ जम चुका है। तो यार देखो सुबह सुबह गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है और सुबह ना गाड़ी स्टार्ट होने में यार देखो प्रॉब्लम तो करेंगी। बस होटल वालों से बोला यार सुबह थोड़ा हम ना थोड़ा जल्दी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ना यहाँ पे ना मौसम ख़राब होने की वार्निंग है, बोल रहे हैं कि आज रात से ही ख़राब हो सकता है और अगले 5 दिन तक ख़राब है यार मौसम। तो कल सुबह जल्दी निकल के ऊपर अपना थोड़ा घूम घाम के आके और अपना कल यहाँ से निकल जाएंगे जितना जल्दी हो सकेगा। और यार ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है सच्ची बता रहा हूँ।